कर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के नासिक में सोना कारोबारी के घर मिला खजाना, 26 करोड़ का केस, 90 करोड़ की संपत्ति जब्त, 30 घंटे लगातार चली रेड। महाराष्ट्र के नासिक में आयकर विभाग की टीम ने एक सोना कारोबारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इन छापों में भारी मात्रा में केस बरामद किया गया है। आयकर विभाग की टीम ने यहां से 26 करोड़ रुपए की नकदी और 90 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। करीब 30 घंटे तक आयकर विभाग की रेड चली है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बंगले में फर्नीचर तोड़कर नोट निकाले। नासिक के इस सराफा कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी में पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आयकर विभाग की टीम ने नासिक के कनाडा कॉर्नर इलाके में स्थित सुराना ज्वेलर्स और उनके कई ठिकानों पर रेड की है। दो दिनों तक चले इस रेड में इनकम टैक्स के अधिकारियों को कई चीजें हाथ लगी है। टैक्स चोरी के संदेह में आयकर विभाग के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। नासिक, नागपुर, जलगांव की टीमों के 50 अधिकारियों को एक साथ इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। अचानक हुई छापेमारी से टैक्स चोरी करने वाले कारोबारी घबरा गए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से टैक्स चोरी करने वाले कारोबारी आयकर विभाग के रडार पर है। जिस स्थान पर छापेमारी चल रही थी वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। नासिक की तरह मनमाड़ शहर में भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। आयकर विभाग ने मालेगांव में एक व्यवसायी के घर और कार्यालय में रेड की। पिछले कुछ महीनों से आयकर विभाग की टीम राज्य में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। इन छापों में बड़ी मात्रा में बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हो रहा है। नासिक में सरापा कारोबारियों के घर पर छापेमारी में हड़कंप मच गया।